पहले दूसरे चरण का वोट पड़ा है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और तीसरे चौथे वोट के बाद तो इनके कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए, गाड़ियों से झंडा डालिया, घरों से झंडे उतर गए। पहले दूसरे चरण में शतक लगाया गठबंधन ने और तीसरे चौथे में एक और शतक लगा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि समाजवादी पार्टी और संगठन को बहुमत की ओर ले जाने का। इधर बाबा जी का देखा होगा आपने कि बाबा जी कह रहे हैं कि आप 12 बजे सो के उठते हो, 12 बजे सो के उठते हो। उसी दिन से हमने भी उनके घर पर नजर रखना शुरू कर दी है और अभी मैं देखता हूं कभी कभी शाम को धुआं उड़ता है वहां। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कुछ पुताई वाले जा रहे थे, मैंने उन्हें रोक करके पूछा कि ये पुताई कहां करने जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के धब्बे लगे उसको मिटोकने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और 11 तारीख की उन्होंने लखनऊ से गोरखपुर की टिकट भी बुक कर ली है। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का। इधर इनके एक बड़े नेता जब से उन्होंने लैपटॉप पे स्टेटमेंट दिया है जनता लोटपोट हो जा रही है। इनके नेता ने कहा कि जो लोग 12वीं कर लेंगे और जो इंटर करने जाएंगे उन्हें लैपटॉप मिलेगा। शुक्र है इस बात का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वां ज्वाइन करेगा उसे लैपटॉप मिलेगा। ये वही नेता है जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे डोर टू डोर, और जब से जनता ने इन्हें सिलेंडर दिखा दिया लाल वाला तब से ये दूर से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर से। ये वही नेता है जो थूक लगा करके पर्चा मांट रहे थे। इसलिए एक गाना भी सुना होगा आपने, इधर बड़ा फेमस हो गया है बाबा कावा। ये गाना पता नहीं कहां से आया बाबा कावा, लेकिन इस बार बाय बाय बाबा बाय होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। इसलिए सब बातें आप जानते हो, ये प्रयागराज हमारे लोगों का और इस देश का बहुत प्राचीन शहर है। जहां प्राचीन शहर है वहीं आध्यात्म के लिए लोग समय समय पर आते हैं। कुंभ महाकुंभ में शोभा बढ़ाने के लिए साधु संत दुनिया से यहां पर आते हैं। संगम कहीं नहीं है, संगम यहीं पर है। इसलिए मदद करो। पहली बार ऋचा सिंह पीछे रह गई थी, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग इस बार मेहनत करके अपने बूथ पर अपने मोहल्ले में मेहनत कर करके साइकिल के चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट डाल करके इन्हें जिताने का काम करना, यही अपील मैं आपसे करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।